हूं शुक्ला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। नेशनल हेराल्ड मामले और यंग इंडिया मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कांग्रेस नेता राहुल गांधी से चौथे दौर की पूछताछ जारी है, जिसको लेकर कांग्रेस एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन कर रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में चल रही पूछताछ। नेशनल हेराल्ड मामले में चौथे दौर की पूछताछ। देश भर में कांग्रेस के नेता कर रहे विरोध प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। खास बात यह है कि 13 जून से शुरू हुआ राहुल गांधी से पूछताछ का दौर 15 जून तक चला और इसके बाद अगली पेशी 20 जून की तय की गई। शुरुआती 3 दिनों के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पूछताछ के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से दिल्ली ईडी हेडक्वार्टर में चौथे दौर की पूछताछ चल रही है। बता दें कि जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पूछताछ के लिए पहली बार ईडी के सामने पेश हुए थे, तो वहीं इस बीच पूरे दिन कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के समर्थन में राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया। तो उधर इस मामले में कांग्रेस केंद्र सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सिर्फ 50 लाख देकर 2000 से 5000 करोड़ की संपत्ति हड़पने वाले केस में कांग्रेस के नंबर 1 और नंबर 2 नेता आरोपी हैं, इसलिए कांग्रेस केस को झूठा बताकर देश भर में हंगामा खड़ा कर रही है। ईडी के अधिकारी अभी तक राहुल गांधी से करीब 30 घंटे की पूछताछ कर चुके हैं। इस बीच कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता अपने नेता के समर्थन में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं आज कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर सकता है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे खास रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।